नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे चैनल ASY वीडियोस हैशटैग नो टुडे में। आज मैं अपने इस वीडियो में आपको होंडा WRV के बारे में बताऊंगा। ये गाड़ी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हैं, ये गाड़ी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये इकट्ठे कैसे किए हैं। WRV को अपनी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करके, दूसरा ऑनलाइन साइट्स पर कई सारे यूज़र रिव्यूज़ दिए हुए होते हैं, उन सभी यूज़र रिव्यूज़ को पढ़ने के बाद में, और तीसरा मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इसलिए मैं थोड़ी बहुत नॉलेज कार्स के बारे में मुझे ऑलरेडी रहती है। चलिए आगे बढ़ता हूँ और आपको पॉजिटिव्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट होंडा WRV का है स्पेस। इस गाड़ी में काफ़ी स्पेस आपको मिलती है, अंदर और रियर लेग स्पेस काफ़ी है, आपको कहीं भी स्पेस की कमी महसूस नहीं होगी। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट की बात करता हूँ, बूट स्पेस। इसमें आपको सबसे बड़ा बूट मिलता है अपनी सेगमेंट में, 363 लीटर्स का, 363 लीटर का। अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो मैं नेक्सन, इको स्पोर्ट और विटारा ब्रेज़ा की बात कर रहा हूं। चलिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट की बात करता हूं, प्राइस। इस गाड़ी के प्राइसेस 7.67 लाख से शुरू होकर 9.92 लाख तक जाते हैं, जो कि विटारा ब्रेज़ा के सिमिलर हैं और अपनी सेगमेंट में अभी तक कम हैं। अगर मैं सेगमेंट की बात करता हूं तो इको स्पोर्ट सबसे महंगी गाड़ी इसमें है। नेक्सन गाड़ी अभी तक लॉन्च नहीं हुई है और उसके ऑफिशियल रेट्स भी अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, लेकिन र्यूमर्स की मानूं तो सेगमेंट में सबसे सस्ती गाड़ी नेक्सन है। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट की बात करता हूं, इसका डीजल इंजन का माइलेज। 25.5 KMPL माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है, जो कि अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। अगर मैं नेक्सन की बात करूँ तो उसका ऑफिशियल माइलेज अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन उसका भी माइलेज अराउंड 25 ही डीजल इंजन में क्लेम किया जाएगा। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट की बात करता हूँ, क्रूज़ कंट्रोल। इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ तो आपको सिर्फ नेक्सन में ये चीज़ नहीं मिलती। सिक्स्थ पॉजिटिव पॉइंट की बात करता हूँ, सनरूफ। WRV में आपको सनरूफ मिलती है और इस सेगमेंट की बात करूँ तो किसी भी गाड़ी में आपको सनरूफ नहीं मिलती। सेवन्थ पॉजिटिव पॉइंट, डे टाइम रनिंग लाइट्स। आपको DRLs इस गाड़ी में मिलते हैं। अगर मैं सेगमेंट की बात करता हूँ तो इको स्पोर्ट में आपको DRLs नहीं मिलते, बाकी में मिलते हैं। एट्थ पॉजिटिव पॉइंट, इसमें आपको काफ़ी अच्छा इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसकी साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और इन्फोटेनमेंट सिस्टम के फीचर्स की बात करता हूँ तो लगभग आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे नेविगेशन, AM/FM, मिरर लिंक, वॉइस कमांड, ब्लूटूथ, USB, AUX, इनबिल्ट स्टोरेज, 1.5 GB, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नाइन्थ पॉजिटिव पॉइंट, इस गाड़ी के लुक्स। इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक्स तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आते हैं और ज़्यादातर लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन इंटीरियर इस गाड़ी का काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है और काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, शायद ही किसी को ना पसंद आए। 10th पॉजिटिव पॉइंट, इस गाड़ी में आपको डुअल एयरबैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड मिलता है सभी वेरिएंट्स में, हालांकि इस गाड़ी में आपको ज़्यादा वेरिएंट्स देखने को नहीं मिलते। 11th पॉजिटिव पॉइंट, मल्टी व्यू रियर कैमरा। इसका जो रियर कैमरा है वो मूव कर सकता है और आप अगल बगल का अच्छी तरीके से देख सकते हो और काफ़ी अच्छा व्यू भी आता है। 12th पॉजिटिव पॉइंट, वारंटी। इस गाड़ी में आपको 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी दी जाती है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। 13th पॉजिटिव पॉइंट, यूज़र रिव्यूज़। इस गाड़ी के यूज़र रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, मैक्सिमम यूज़र्स जो हैं अपनी होंडा WRV से सेटिस्फाइड हैं, चाहे इसकी राइड हो, काफ़ी स्मूथ राइड है, स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ है, सेटिस्फैक्टरी पावर जनरेट करते हैं इसके दोनों ही इंजन, कंफर्टेबल है ये गाड़ी, सस्पेंशन अच्छा है और गाड़ी को चलाने में भी अच्छा मज़ा आता है, इंजन सिटी हो या हाईवे हो माइलेज भी अच्छा निकाल देता है। चलिए यहाँ पर इस गाड़ी के पॉजिटिव्स ख़त्म होते हैं, अब मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के नेगेटिव्स की। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, पेट्रोल इंजन की अगर मैं बात करता हूँ और मैं फिगर्स पर जाता हूँ तो सेगमेंट में सबसे कम पावर इसका पेट्रोल इंजन जनरेट करता है 89 HP की, और सबसे ज़्यादा पावर इस सेगमेंट में इको स्पोर्ट का पेट्रोल इंजन पावर जनरेट करता है 125 HP की। उसी तरह से मैं अगर इसके डीजल इंजन की बात करता हूँ तो इसके डीजल इंजन जितनी पावर जनरेट करता है वो 3rd नंबर पर आती है सेगमेंट में। सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन डीजल में आपको नेक्सन में मिलता है 110 HP का, उसके बाद इको स्पोर्ट में 100 HP का, जबकि WRV में 99 HP का, सिर्फ 1 HP कम इको स्पोर्ट से। और आखिर में सबसे लीस्ट पावरफुल इंजन आपको विटारा में मिलता है 90 HP का। सेकंड नेगेटिव पॉइंट की बात करता हूँ, इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलता। अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ तो आपको सिर्फ इको स्पोर्ट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। 3rd नेगेटिव पॉइंट की बात करता हूँ, इसके पेट्रोल इंजन का माइलेज।
अभी तक की बात करूँ तो तीनों गाड़ियों में, मतलब इसकी सेगमेंट में सबसे कम माइलेज इसके पेट्रोल इंजन में क्लेम किया जाता है 17.5 kmpl का, और सबसे ज़्यादा इको स्पोर्ट के मैनुअल पेट्रोल इंजन में क्लेम किया जाता है 18.9 kmpl का। नेक्सन अभी तक लॉन्च नहीं हुई है और उसी तरीके से ना ही उसका माइलेज ऑफिशियली अनाउंस हुए हैं, लेकिन अगर र्यूमर्स की मानूँ तो नेक्सन का माइलेज अपनी सेगमेंट में पेट्रोल में सबसे ज़्यादा रहेगा अबव 20 का। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट, ब्रेक असिस्ट। इस गाड़ी में आपको ब्रेक असिस्ट नहीं मिलता, सेगमेंट की बात करूँ तो सिर्फ इको स्पोर्ट में देखने को मिलेगा। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलते और सेगमेंट की बात करने पर नेक्सन और विटारा ब्रीजा में मिलते हैं, जैसे कि रियर एसी वेंट्स आपको नहीं मिलेंगे इसमें, सेगमेंट में सिर्फ नेक्सन में मिलेंगे। रियर आर्मरेस्ट आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता जबकि नेक्सन और ब्रीजा में मिलता है। कूल ग्लव बॉक्स आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता जबकि नेक्सन और ब्रीजा में मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको इस गाड़ी में नहीं मिलते जबकि बाकी इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियाँ उसमें मिलते हैं। वहीं मैं हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स की बात करूँ तो आपको इसमें कन्वेंशनल मिलते हैं जबकि नेक्सन और ब्रीजा में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। सिक्स्थ नेगेटिव पॉइंट की बात करता हूँ तो जितने भी यूज़र रिव्यूज़ मैंने पढ़े उसमें से सबसे कॉमन कंप्लेंट जो थी वो थी इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्सिव नहीं है, स्लो हो जाता है या कभी कभी लैग भी कर जाता है। चलिए यहाँ पर इस गाड़ी के नेगेटिव्स ख़त्म होते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के कलर्स की, तो आपको 6 कलर्स इसमें देखने को मिलते हैं, अम्बर, स्टील, सिल्वर, रेड, ब्राउन और वाइट। वहीं मैं मॉडल्स की बात करता हूँ तो इसमें आपको 2 मॉडल्स देखने को मिलेंगे, एस और VX। पेट्रोल में एस मॉडल आपको 7.66 लैक्स का पड़ता है जबकि डीजल में 8.72 लैक्स का पड़ता है एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से। वहीं VX आपको पेट्रोल में 8.89 का मिलता है जबकि डीजल में 9.91 का मिलता है। इस गाड़ी में 1.5 महीने की वेटिंग आपको मिलती है, हर महीने 4000 यूनिट्स होंडा WRV की बना रहा है। अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो आपको 1.5 महीने का वेट करना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल में मैंने WRV के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी 1% भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।